गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग हार्ड ड्राइव ज्योमेट्री पे चर्चा कर रहे थे, बता रहा था मैं आपको क्या होता है। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया, हेड सिलेंडर सेक्टर ट्रैक। ट्रैक समझ में आया आपको, सिलेंडर समझ में आया और सेक्टर आपको बताया कैसे हम लोग सेक्टर को काउंट करते हैं। एक्सेस टाइम क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। डिस्क एक्सेस टाइम इक्वल टू रोटेशनल डिले प्लस डेटा मूवमेंट टाइम। जो हम लोग डेटा एक्सेस टाइम निकालते हैं, रोटेशनल डिले प्लस डेटा मूवमेंट टाइम, इन दोनों का योग आपका क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम कहलाता है। ओके, चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि जोन रिकॉर्डिंग क्या होती है। व्हाट इज जोन रिकॉर्डिंग? देखिए, हार्ड डिस्क के जो प्लेटर्स होता है पर बने सभी ट्रैक को समान सेक्टर में विभाजित किया जाता है या बांटा जाता है। जो हार्ड डिस्क के जो प्लेटर्स हैं, ये जो हार्ड डिस्क के जो प्लेटर्स हैं, इसके जो है जो ट्रैक बने हुए हैं, इन सभी ट्रैक को समान सेक्टर में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। सभी आपके जो सेक्टर होंगे, सेक्टर है ये देखिए, सभी जो है इक्वल होंगे। इस कारण प्लेटर की बाहरी साइड पर बना आउटर ट्रैक पर भी उतना ही डेटा स्टोर होता है जितना कि इनर ट्रैक पर। क्लियर है? जितना इनर ट्रैक पर डेटा स्टोर होगा उतना ही बाहरी ट्रैक पर आपका डेटा स्टोर होगा। ओके, इससे हमको पता चलता है कि आउटर ट्रैक पर बने सेक्टर इनर ट्रैक की अपेक्षा लगभग दुगने बड़े होते हैं, अर्थात इनकी आधी कैपेसिटी क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। क्योंकि अब देखिए, ये डेटा तो समान आपका व्यवस्थित होगा, स्टोर होगा, लेकिन जब हम डेटा स्टोर करेंगे तो समान डेटा स्टोर करते हैं, सेक्टर समान भाग में बड़े पटे होते हैं। आउटर ट्रैक पर बड़ा सेक्टर, ये आपका आउटर ट्रैक है, बड़ा सेक्टर इनर ट्रैक की अपेक्षा लगभग दोगुने बड़े होते हैं, अर्थात इनकी आधी कैपेसिटी बेकार हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक सेक्टर चाहे बड़ा हो या छोटा हो 512 बाइट का ही स्टोर कर होता है। प्रत्येक सेक्टर जो हमने सेक्टर इसमें बनाए, चाहे वो बड़ा सेक्टर हो या छोटा सेक्टर हो, जैसे यहाँ पे बड़ा सेक्टर बनेगा, यहाँ पे छोटा सेक्टर बनेगा, चाहे जो भी हो, लेकिन जो उसमें डेटा स्टोर होगा कितना होगा, 512 बाइट का ही होता है। वेस्टेज हो रही कैपेसिटी को कार रूप में लाने के लिए, जो आपकी जो वेस्ट हो, जो कैपेसिटी आपकी वेस्ट हो रही है, इस को अपने काम में लाने के लिए एक नया तरीका अपनाया जाता है, जिसके तहत प्रत्येक सेक्टर चाहे बाहरी ट्रैक का हो या इनर ट्रैक का, उसकी साइज निश्चित, उसकी जो साइज है उसको क्या करता है, निश्चित कर दी जाती है। यह साइज हार्ड डिस्क की टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है। यह साइज क्या होती है, हार्ड डिस्क की टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है। इस व्यवस्था के तहत हार्ड डिस्क के प्लेटर्स को कई जोन पर डिवाइड कर दिया गया है। जो हार्ड डिस्क को क्या किया गया है, जो प्लेटर है इसको कई जोन पर हम लोग बांट देते हैं। वो प्रत्येक जोन में शामिल किए गए ट्रैक, प्रत्येक जोन में शामिल किए गए ट्रैक के सेक्टर की संख्या निश्चित कर दी गई। मान लीजिए एक ड्राइव में कुल 12 ट्रैक, उधर बताता हूं, मान लीजिए जो एक आपकी ड्राइव है उसमें कितने ट्रैक हैं, 12 ट्रैक है। इन ट्रैक को 3 जोन में डिवाइड कर दिया गया,
कितने जोन में? 3 जोन में। प्रत्येक जोन में कितने अब ट्रैक आए? 4 ट्रैक को सम्मिलित किया गया, 4 × 12, हमने 3 जोन बनाए, 3 जोन में, 1 जोन में 4 ट्रैक हो गए। आउटर जोन के प्रत्येक ट्रैक में कितने? 18 सेक्टर। वह इनर जोन के प्रत्येक ट्रैक को 12 सेक्टर में डिवाइड कर दिया गया। जो आपका आउटर ट्रैक है, ये वाला ट्रैक, मान लिया आउटर ट्रैक है ये, इसको 18 सेक्टर इसमें बांट दिया हमने, और जो प्रत्येक जो ये इनर ट्रैक है इसको हमने 12 सेक्टर में डिवाइड कर दिया। यही तरीका आपका जोन बिट रिकॉर्डिंग के नाम से जाना जाता है। ये तरीका आपका जोन बिट रिकॉर्डिंग, जोन रिकॉर्डिंग बता रहा हूं, के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसे मल्टीपल जोन बिट रिकॉर्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए मल्टीपल जोन रिकॉर्डिंग क्या हुआ, वो भी हम इसी, जो आपकी जोन रिकॉर्डिंग है इसी को हम लोग मल्टीपल जोन बिट रिकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं। जो बिट रिकॉर्डिंग केवल आईडीई व SCSI टाइप की ड्राइव में ही होती है। ओल्ड टाइप हार्ड डिस्क में प्रति सेक्टर की संख्या, प्रति ट्रैक सेक्टर की संख्या निश्चित होती है। क्लियर है? जोन रिकॉर्डिंग समझ में आया? फिर से बताऊं, ये तो क्लियर हो गया कि जो आपके बाहरी ट्रैक है इसका स्ट्रक्चर आपके ज्यादा होंगे, बड़े होंगे, अंदर जो ट्रैक है उसके छोटे होंगे, लेकिन जो डेटा होगा समान रूप से स्टोर होगा, चाहे बाहरी ट्रैक हो या इनर ट्रैक। कितना? 512 बाइट का। इसको हम व्यवस्थित करने के लिए, जो हमारा जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको हमको खत्म करने के लिए, उसको बचत करने के लिए, कि हमारा एक्स्ट्रा स्पेस बेकार न जाए, वेस्टेज न जाए, उसको व्यवस्थित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया तरीका अपनाते हैं। इसमें मान लीजिए बाहरी ट्रैक को हमने 18 सेक्टर में बांट दिया, इनर ट्रैक को 12 सेक्टर में बांट दिया, तो हम लोग उसको जोन वाइज उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। इससे हमारा जो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है वो आपकी सभी यूज हो जाती है। इसी तरीकों को हम लोग क्या बोलते हैं, जोन बिट रिकॉर्डिंग के नाम से जाना जाता है, या मल्टीपल जोन रिकॉर्डिंग भी हम लोग इसको बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं। अभी मैं आपको इसको जो आपको दिख रहा है उसको बताऊंगा, डिफरेंटली आपको मैं हेड बता चुका, सिलेंडर बता दिया, सेक्टर फ्रंट टैग बता दिया। इसी प्रकार से आगे हम लोग चर्चा करते हैं। हेड आर्म क्या होता है? व्हाट इज हेड आर्म? हेड आर्म को हेड स्लाइडर, हेड आर्म को हेड स्लाइडर या हेड रैंक के नाम से भी जाना जाता है। आपको दिखाता हूँ हेड आर्म, दिखाया था मैंने आपको, ये देखिए। एक बार दिखा चुका हूँ, दोबारा कोशिश करता हूँ। है, दो हेड लगे होते हैं प्रत्येक, उसमें ये देखिए ऐसे ये स्टोर होता है इस प्रकार से। ये चलिए चर्चा करते हैं। हेड आर्म को हेड स्लाइडर या हेड रैंक के नाम से भी जाना जाता है। हेड आर्म का प्रारंभिक सिरा हेड एक्यूलेटर से जुड़ा होता है और अंतिम सिरा हेड कनेक्टर रहता है। हेड एक्चुएटर की सहायता से हेड आर्म हेड को प्लेटर्स की सतह पर मूव कराया जाता है। ओके, अब हेड एक्यूलेटर क्या होता है? एक्चुएटर रीड राइट हेड को हेड ड्राइव के प्लेट पर मूव करने के लिए हम लोग हेड एक्चुएटर मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं।
क्या यूज करते हैं? हेड एक्चुएटर मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं। कौन कौन सा? स्टेपर मोटर, एक्चुएटर और वॉइस क्वाइल एक्चुएटर। स्टेपर मोटर, एक्चुएटर और वॉइस क्वाइल एक्चुएटर। अब स्टेपर मोटर एक्चुएटर क्या होता है? स्टेप एक्चुएटर का प्रयोग 80 MB तक की पुरानी तरह की हार्ड ड्राइव में किया जाता था। स्टेप के रूप में भी मूव होती है। इस स्टेप सिग्नल पहले से ही निर्धारित होते प्रत्येक स्टेपर मोटर एक निश्चित एंगल पर टर्न होता है, जिसे हेड प्लेटर पर मूव होता है। वॉइस क्वाइल एक्चुएटर में क्या होगा? वॉइस एक्चुएटर का प्रयोग 80 MB से अधिक कैपेसिटी की समस्त हार्ड डिस्क पर हेड एक्चुएटर मैकेनिज्म के रूप में काम करता है। यह ऑडियो स्पीकर में लगी वॉइस क्वाइल के सिद्धांत पर क्या कर वर्क करता है, इसी कारण इसे वॉइस क्वाइल कहा जाता है। क्लियर? अब हम लोग चर्चा करते हैं स्पाइंडल मोटर क्या होती है। देखिए, स्पाइंडल मोटर का प्रयोग हम लोग स्पाइंडल मोटर इसको बोल सकते हैं। ये लगा होता है, देखिए इसमें जाके फिट हो जाता है। स्पाइंडल मोटर का प्रयोग हार्ड डिस्क के प्लेटर्स को रोटेट करने के लिए किया जाता है। जो आपकी हार्ड डिस्क की प्लेट है, इसको रोटेट करने के लिए, घुमाने के लिए, ये आपका क्या है? स्पाइंडल मोटर है ये इसको मूव करने के लिए, जो प्लेटर है ये दिख रहा है आपको, इसको मूव करने के लिए स्पाइंडल मोटर का प्रयोग हार्ड डिस्क के जो प्लेटर्स हैं, प्लेट्स हैं, ये प्लेट है ये आपकी, इसको मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए किया जाता है। इस स्पाइंडल मोटर के बेस पर प्लेटर जुड़ा रहता है। इसका इसका नीचे बेस है, दिख नहीं रहा, ये आपका बेस है, यहाँ पे ये जुड़ा रहता है, यहाँ से ये मूव नहीं हो सकता, हट नहीं सकता है, सिर्फ आपका रोटेट होगा। जैसे किसी भी दिशा में हम इसको रोटेट कर सकते हैं, रोटेट हो रहा है। स्पिंडल मोटर का प्लेटर से डायरेक्ट कनेक्ट होने के कारण ही हार्ड डिस्क में कंपन व आवाज नहीं होती। जब ये मूव करता है इसमें आवाज नहीं होती, ना ही इसमें कंपन होता है। स्पिंडल मोटर लगभग 3600 से 1000, 10000 तक, 3600 से लेकर 10000 आरपीएम राउंड प्रति मिनट से डिस्क पर प्लेटर्स को रोटेट करती है। 10000 आरपीएम राउंड प्रति मिनट से डिस्क को क्या करता है? प्लेटर्स, डिस्क के प्लेटर्स क्या करता है? रोटेट करती है, बहुत ही तेजी से रोटेट होता है। अधिकतर हार्ड डिस्क में स्पिंडल मोटर हार्ड डिस्क के असेंबलिंग से बाहर लगी होती है, जो कि सील्डेड असेंबली के बाहर की ओर दिखाई देती है। वर्तमान समय में स्पिंडल मोटर प्लेटर हब में ही हार्ड डिस्क ड्राइव असेंबली के अंदर ही बनी होती है। इस कारण हार्ड डिस्क वाइड की उतनी ही साइज में पहले से अधिक प्लेट लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अभी तो ये आपको हुआ है, लेकिन इसमें जैसे जैसे हार्ड डिस्क में उसमें किया गया, तो हम लोग उसमें कई प्लेटर्स में एक साथ प्रयोग हम लोग के जो कंपनी बनाती है हार्ड डिस्क, वो अपना प्रयोग करती है। इतना चल रहा है स्पिंडल मोटर क्या होता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं लॉजिकल बोर्ड। किसकी? लॉजिकल बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी। लॉजिकल बोर्ड क्या होता है?
ये हार्ड डिस्क है, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड दिख रहा है आपको, ये आपका स्पेंडल मोटर हो गई जो आपको बताया मैंने, ये आपकी अच्छी हार्ड डिस्क है, ये इसको ओपन नहीं किया, जो जो दूसरी मैं हार्ड डिस्क आपको दिखाता हूँ वो आपको पूरा ओपन किया हुआ है। ये हमारी 40 GB की हार्ड डिस्क मैं अपने सिस्टम से निकाल के आपको दिखाने के लिए इसको रखा हूँ कि आप लोग समझ सके कि हार्ड डिस्क कैसी होती है, उसकी संरचना कैसी है, उसका ज्योमेट्री क्या है, हेड प्लेट सब आपको मैं ओपन करके एक एक पार्ट्स दिखाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो आपकी जो बोर्ड दिख रहा है सर्किट, ये देखिए और पास में दिखाऊं, ये दिख रहा है, ये आपका क्या है, कौन सा बोर्ड कहलाता है, लॉजिक बोर्ड कहलाता है। देखिए हार्ड डिस्क पूरा यहाँ से कनेक्ट है, ये आपको सीपीयू मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है, दिख रहा है ये बोर्ड आपको, ये यहाँ से ये ऐसे कटा हुआ, ये ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, लॉजिक बोर्ड कहलाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव के नीचे एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बना होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है ये, जिसे लॉजिक बोर्ड कहा जाता है। हार्ड ड्राइव में रीड ड्राइव है, स्पिंडल मोटर, हेड एक्चुएटर इत्यादि को लॉजिक बोर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तथा कंप्यूटर के सभी हार्ड डिस्क ड्राइव की इंटरफेसिंग का कार्य भी आपका क्या कौन करेगा, लॉजिक बोर्ड के द्वारा ही किया जाता है। समानता एक हार्ड डिस्क में एक से अधिक लॉजिक बोर्ड हो सकते हैं, इसमें आपका एक ही लॉजिक बोर्ड है जो हमको इस सामने दिख रहा है आपको, लेकिन एक या एक से अधिक हम लोग तीन लॉजिक बोर्ड लगा सकते हैं, लगे हो सकते। कंप्यूटर से कमांड सिंगल लॉजिक बोर्ड पर आते हैं, आपको यहाँ डेटा बस लगेगी। कंप्यूटर से कमांड क्या आएंगे, जो कमांड सिग्नल लॉजिक बोर्ड पर आते हैं, जिन्हें लॉजिक बोर्ड पर स्थित सिस्टम कंट्रोलर IC वोल्टेज सिग्नल में बदलकर हेड ड्राइवर, सर्वो कंट्रोलर IC आदि को भेजती, ये सब IC लगी हुई देख रहे हैं, ये सब यहां से कनेक्ट हुए सिग्नल आए, ये सब आपकी IC लगी हुई। इस सिग्नल के आधार पर ही हेड रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तथा स्पेंडल मोटर प्लेटर्स को रोटेट कराती है। जो स्पेंडल देखिए आपका लगा हुआ है, जब कोई सिग्नल इसमें जाएगा, ये आपके जो प्लेटर्स अंदर इसमें लगी हुई है उसको क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे, मूव कराएंगे। क्लियर है। अब हम समझते हैं कि लॉजिक जो आपका लॉजिकल है, जो ब्लॉक एड्रेस कैसे क्या होता है, लॉजिक बोर्ड होता है, ये आपका लॉजिक बोर्ड है, ये जो आपको मैंने दिखाया पूरा जो सिस्टम, जो कमांड आए आपके सिग्नल इसमें आए, यहां से जो IC लगी हुई है, इन IC को द्वारा हार्ड डिस्क की प्लेटर्स, हेड डिस्क ड्राइव सभी ऑपरेशन यहां से इनके द्वारा आपका लॉजिकल बोर्ड के द्वारा कंट्रोल होते हैं। क्लियर है, इसमें मेरे ख्याल में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए लॉजिकल बोर्ड, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये प्लेट आपको हरे रंग की दिख रही है, ये इसमें IC सब लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये हार्ड डिस्क यहां से कनेक्ट है, दिख रहा है। चलिए अब लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल बोर्ड ब्लॉक एड्रेस को शॉर्ट फॉर्म में हम LBA कह सकते हैं। एल मीन्स लॉजिकल, बी मीन्स ब्लॉक, ए मीन्स एड्रेस, LBA। LBA मोड का प्रयोग 528 MB की अधिक कैपेसिटी वाले हार्ड डिस्क में किया जाता है। 528 MB की अधिक कैपेसिटी वाले
तो सब जीबी में आती है, 1 GB, 2 GB, 1 TB तक आपकी मतलब टीवी के बाद हार्ड डिस्क आने लगी है, अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसमें। क्योंकि देखिए, क्योंकि नॉर्मल मोड में प्रयोग की गई हार्ड की जाने वाली हार्ड ड्राइव में 1024 सिलेंडर, आपको बताया था 16 हेड 63 सेक्टर से ज्यादा प्रयोग में नहीं आ सकते, क्योंकि बायो 1024 सिलेंडर 16 हेड 63 सेक्टर तक ही इंफॉर्मेशन होती है। इसलिए यदि हार्ड ड्राइव को कम्युनिकेशन इससे अधिक है तो सेटअप में LBA मोड सिस्टम करना जरूरी होता है। LBA मोड में ट्रैक की संख्या आधी होती है, LBA मोड में ट्रैक की संख्या आधी होती जाती है, वह हेड की संख्या दुगनी होती जाती है। इस प्रक्रिया ड्राइव की कंट्रोल आईसी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आईसी के द्वारा किया जाता है। अब हम समझते हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए सिलेंडर कितने हैं, 4000, सेक्टर कितने हैं, 63, हेड 16। तो एलबीए मोड में इसका कॉन्फ़िगरेशन निम्न प्रकार से होगा। कैसे? हेड सिलेंडर आपके कितने हो जाएंगे, 1000, सेक्टर कितने होंगे, 63, हेड आपके 64 हो जाएंगे। एलबीए मोड में जो ट्रैक की संख्या है वो क्या हो जाता है, आधी हो जाती है और हेड की संख्या दुगनी हो जाती है। सिलेंडर आपके 1000 मान लीजिए हो गया, सेक्टर आपके 63 हुए, हेड आपके 64 हो गए। क्योंकि अब देखिए, अब हमको वो ट्रैक निकालना है, 400 4000 का आधा कितना हुआ, 2000 सिलेंडर, ठीक है। तो 16, अब बाय डिफॉल्ट 16 × 2 32 हेड हो गए। 2000 को दो से भाग दिए, 1000 सिलेंडर आए तो हेड कितने हो गए, 32 × 2 64 है। इसीलिए इसलिए 1000 सिलेंडर 64 है और 63 सेक्टर इसमें डिवाइड हो गए। लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस का एग्जाम्पल है। हार्ड डिस्क ड्राइव को कम्युनिकेशन करने के लिए स्टैंडर्ड सीमोस सेटअप में नॉर्मल या एलबीए मोड को सेलेक्ट हम लोग करते हैं। ओके, ये आपका एलबीए होता है। अब अगले हम चर्चा करेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव का लॉजिकल स्ट्रक्चर। हार्ड ड्राइव का लॉजिकल स्ट्रक्चर, इसमें एमबीए, एमबीआर आपको सिलेबस में है, डीबीआर, इस बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। क्लियर है? ओके, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कल इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।